साथियों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इस वक्त यहाँ पे आया हूँ, एक दूर दराज इलाका है महाराष्ट्र स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरोली बोलते हैं इसको, गढ़चिरोली। और ये इस ग्राम सभा का नाम है, जो ये गांव है इसका नाम है मेंडालेखा। और मैं इस वक्त यहाँ पे बैठा हूँ, बहुत ही खुशकिस्मत हम समझते हैं अपने आप को कि हम इस जैसी हस्ती से मिल रहे हैं। इनका नाम है देवाजी तोफा साहब। तो देवाजी तोफा जो है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है जहाँ तक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे इस कानून के बनने में, इस कानून की ड्राफ्टिंग में, या उस पर अध्ययन करते रहे, फिर बाद में ये कानून बना, कैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स मिले, कैसे कम्युनिटी को ये राइट्स मिले। और आप ये हैरान होंगे जान के कि ये गांव में खाली 500 लोगों की पॉपुलेशन है, 500 लोग यहाँ पर रहते हैं, बट दे हैव गॉट 1800 हेक्टेयर्स ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, 1800 हेक्टेयर इनको मिले। अगर हम कनाल में बात करें, 36,000 कनाल इस कम्युनिटी को, 500 लोगों को मिला है अंडर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। देवाजी तोफा से हम बात करेंगे एक दो मिनट में, थोड़ा सा संक्षेप में जो है ये अपने बारे में बताएंगे और ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये जो मेंडालेखा में जो सामूहिक वन हक प्राप्त हुआ है 1800 हेक्टेयर में मिला है जी, तो ये तो सरकारी कानून ही से है, 2006 में आया है नियम, 2008 में आए थे बिल्कुल, और पैसा 1994 में आया बिल्कुल। ये दोनों कानून का अध्ययन करके हम लोग ने इसका अमल कर रहे हैं। कानून तो सरकार ने बना दिया है ना बिल्कुल, हाँ, वो सब ग्राम सभा का माध्यम से, हर परिवार से हमारा ग्राम सभा में महिला पुरुष उपस्थित रहना अनिवार्य है, ऐसा सब आते हैं ऐसे एक नियम बनवा दिया तो, है ग्राम सभा ने बनवा दिया, लोगों ने बनवाया। तो 1800 हेक्टेयर जो आपको मिले, इससे क्या फायदा आया, लोगों का क्या फायदा आया, डायरेक्टली बताइए। डायरेक्टली जो है ये फायदा, उनका जो बांस है, बांस से तो बांबू है, बांबू का जंगल ज्यादा यहाँ पे, बांबू का भी है और महुआ का भी है, चिरंजीव है, आंवला है, हर्रा है, पीक भी है यहाँ पे, हाँ पीक, हाँ ठीक भी है, ठीक भी है, भी है, लेकिन ठीक बेचते नहीं, नहीं बेचते उसका। तो बांबू से क्या फायदा है, बांबू से तो बहुत मजदूर, एक ही साल में 1,15,00,000 का बांबू बेचा ये गांव ने, 500 लोगों ने, 500 लोगों ने, देखिए 500 people, 500 लोगों ने 1,15,00,000 का, जो पहले इनकम जाती थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जो पहले सरकार को इनकम जाती थी, वो इनकम आप जाती है सीधे मेंडालेखा के गाँव लोग, ग्राम सभा में, यहाँ की ग्राम सभा को जाती है। तो एक फैमिली को, एक तकरीबन एक फैमिली को कितना इनकम मिलता है उससे, उससे तो हर साल में 50,000, 30,000, 1,00,000 तक हो जाता है, 1,00,000 तक। तो बांस का ही नहीं, तो यहाँ महुआ है, आवड़ा है, हर्रा है, बेहड़ा है, और भी तो इससे। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल लोगों का है, लोगों का ये जीना सीना है, बाकी चीजें हैं, उनकी लाइवलीहुड में कुछ अंतर आया, कुछ चेंज आया, और पलायन काम हो गया, यहाँ से लोग बाहर जाना काम हो गए, क्योंकि ज्यादा मजदूरी करने बाहर जाते, उससे कम हो गया कुछ, बाहर यहाँ से लोग नहीं जाते हैं, गांव में मजदूरी मिल रहा है, हमारा गांव को रोजगार गांव में ही मिलना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, क्या उससे मिल रहा है, मिल रहा है, उसका प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं जी। तो देखिए साथियों, इसी का यही मतलब है कि, मतलब खाली यही नहीं है कि इस फॉरेस्ट राइट एक्ट की वजह से एक तो यहाँ से माइग्रेशन कम हो गया, लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलने लगा, उसके अलावा कंजर्वेशन बहुत जबरदस्त हो रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे लोगों को लकड़ी लानी होगी गांव से, पहले परमिशन ग्राम सभा से लेना है, ग्राम सभा चिट्ठी लिख के देता, पास लिख के देता है, फिर लोग जंगल में जाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिखाते हैं, फिर जाके वो लकड़ी निकालते हैं वहां से। तो फॉरेस्ट राइट ये नहीं है कि कोई लूटमार का कोई कानून है, कोई कब्जा करना जमीन वाला कोई कानून है, कोई जमीन पे कब्जा करने का कानून है, ये कानून बेसिकली है, इसमें जो इसका प्रियम्बुल है, कानून का प्रियम्बुल में ही लिखा गया है कि जो हमसे गलतियां हुई थी, सरकार ने जो गलतियां की थी पिछले जमाने में, कि उन्होंने ट्राइबल्स को नहीं दिया था, उन्होंने अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स को वो राइट्स नहीं दिए थे जो उनको चाहिए थे। तो मैं चाहूंगा इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन हमारी जम्मू कश्मीर में भी इन लेटर एंड स्पिरिट हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।